हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज हम लोग देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या है और ये इंडिया में क्यों इम्पोज किया गया, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस के बेसिस पे ब्रिटिश इंडिया में अपना एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया था, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। अगर हम देखेंगे तो ब्रिटिश का दो ऐसे पॉलिसी था जिसके थ्रू वो ब्रिटिश इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाने की कोशिश किया। उसमें से एक था सब्सिडियरी अलायंस, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियसली, एंड सेकेंड था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेलहौजी। तो सब्सिडी अलायंस क्या है, आप जानते ही होंगे। सब्सिडी का मतलब होता है एक तरह का हेल्प, एक तरह का सपोर्ट। तो सब्सिडी अलायंस आप इन शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी किंगडम्स ऑन दैट टाइम। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स थे और कहीं ना कहीं से जो है ना एक दूसरे नेबरिंग किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता ही था। उस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा ब्रिटिश उठाते थे और उसमें एक ट्रीटी साइन करवाते थे। एक किंग को बोलते थे कि इफ़ आई विल सपोर्ट यू देन यू हैव टू साइन द ट्रीटी, एंड इट वॉज कॉल्ड द सब्सिडियरी अलायंस। तो वो ट्रीटी साइन होता था, उस ट्रीटी के बेसिस पे वो किंगडम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ब्रिटिश के अंडर काम करते थे एंड ब्रिटिश उसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाते थे। और ब्रिटिश दूसरे राज्य से लड़ाई करते थे, अटैक करते थे, उनके टेरिटरी जितने भी कैप्चर करते थे वो आपस में डिवाइड कर लेते थे। तैसे इसको नाम दिया है सब्सिडियरी अलायंस। ओके, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। द इंडियन रूलर्स वर पर्सुएडेड बाय वेलेस्ली टू साइन अ फ्रेंडली ट्रीटी विद द ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू विच दे वुड हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस। द स्टेट हैड टू एक्सेप्ट द इंग्लिश एज अ सुप्रीम पावर। देखिए, ये ट्रीटी का पार्ट था कि जो भी प्रिंसली स्टेट था, जो भी इंडियन किंगडम थे, उनको ब्रिटिश को एज अ सुप्रीम पावर मानना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था। अ ब्रिटिश रेसिडेंट एंड ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्सेस हैड टू बी स्टेशनड इन साइड द स्टेट। जो भी ब्रिटिश रेसिडेंट थे या ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्सेस थे, उसके आर्मी सिस्टम थे, वो जो भी फ्रेंडली तौर पे सब्सिडी अलायंस जो भी किंगडम साइन किया था, उनके यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट और ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्सेस विदाउट कॉस्ट रहते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश का जो फोर्स था उनके सारे के सारे मिलिट्री एक्सपेंसेस वो किंगडम के राजा करते थे। द स्टेट्स हैड टू सी टेरिटरीज टू द कंपनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडरी फोर्सेस। द नेटिव्स कुड नॉट एंटरटेन एनी अदर यूरोपियंस अदर दैन द इंग्लिश। जो भी नेटिव किंगडम थे वो बिना विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश किसी भी दूसरे यूरोपियन को अपने ऑफिस में इवन ऑफिशिएट भी नहीं कर सकते थे। द स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू निगोशिएट विद एनी अदर किंगडम विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप देखते हैं ये सब्सिडी अलायंस के बेसिस पे सबसे पहला जो राज्य था वो हैदराबाद। द निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। ही हैंडेड ओवर कडप्पा, बेलारी, अनंतपुर एंड कर्नूल। जो है आप देख सकते हैं कडप्पा, बेलारी, अनंतपुर, कर्नूल जो एरिया है वो एरिया वो ब्रिटिश को दे दिया था, क्योंकि निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट किंगडम हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। After the death of Tipu Sultan, his kingdom was handed over to Krishna Raja Wadia, who accepted the scheme. तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि Tipu Sultan was killed in Fourth Anglo-Mysore War in 1799, एंड उनके बाद कृष्णा राजा वडियार को वहाँ का एक पपेट किंग बना दिया गया था और उसको सब्सिडी अलायंस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश अपने अंडर ले लिया था। द नवाब ऑफ अवध, इसको अवध भी बोलते हैं बट ब्रिटिश लोग का प्रोनाउंसिएशन अवध था। द नवाब अवध एक्सेप्टेड द पैक्ट एंड सरेंडर्ड रोहिलखंड एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दोआब रीजन। इवन इसके बेसिस पे बाद में इन दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो मराठा थे वो भी जो है सॉरी इन दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा जो थे वो भी सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिए थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, राज्य थे, जो सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिए थे और इस तरह से ब्रिटिश का जो एक स्टार्टिंग जो एक्सपेंस
स्टेट था, एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी था उसको वो बढ़ा रहे थे। आई होप आप लोगों को सब्सिडी लाइन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।